हेलो, चलो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर। ठीक है, तो हमारे यहाँ तक लिया। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं देखे थे डिस्कवरी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो डिस्कवरी हमने आई थिंक हम लिए थे, लिए थे, लिए थे। ठीक है, बाद में सारे डिस्कवरी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं जरा। एटम्स आर फाउंड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओहो, हमने ऊपर क्या पढ़ा? चलो पढ़ते हैं, पहले फिर बता दूं। सो दे मस्ट कंटेन। ओहो, चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कि एटम होते हैं, एटम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो न्यूट्रॉन का जो नेचर होता है वो नेगेटिव होता है। उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव। लेकिन 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 जो एटम होता है, एटम पॉजिटिव होता है। एटम पॉजिटिव होता है, लेकिन उसके अंदर का जो एलिमेंट है वो नेगेटिव है। ऐसा कैसे हो गया? ये एक लेट सपोज, ये क्या है? ये कह रहा हूँ, ये एक मेरा इतना बड़ा मेरा वो है, क्या कहते हैं, एक एटम है। ठीक है, एटम, ए फॉर एटम। मेरे को इससे न्यूट्रल होता है, कैसा होता है? न्यूट्रल के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है ना, इसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है। ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। ठीक है, लेकिन मैंने कहा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसका मतलब सर ये भी नेगेटिव होना चाहिए था। ये कैसा पॉसिबल है कि माइनस इज इक्वल टू नथिंग, माइनस इज इक्वल टू माइनस होना चाहिए? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? तो लोगों ने भी ये चीज नोटिस किया। जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन एटम को देखा, एटम तो न्यूट्रल होता, चार्ज ही नहीं होता। तो उन्होंने कहा, कुछ मैथ्स लगाई, उन्होंने कहा ये माइनस का इफेक्ट कैसे हटाया जाए, क्योंकि जब उसको माइनस के इफेक्ट को हटा देंगे तब जाकर ये न्यूट्रल के इक्वल बनेगा, तब जाकर ये नथिंग बनेगा, है ना? जब इस माइनस को हटा देंगे तब जाकर हमारे क्या बनेगा? नथिंग बनेगा। तो उन्होंने कहा इसको हटाया कैसे है? तो उन्होंने कहा माइनस को उठाने का तरीका है कि इसमें कोई प्लस वाला एक कोई प्लस वाला एक कोई प्लस वाला एक एलिमेंट उसमें प्लस कर दें, पता नहीं सो क्या नाम है, कोई प्लस वाला, और तब जाकर क्या बनेगा न्यूट्रल बनेगा, तब जाके प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तब लोगों के दिमाग में आइडिया किया, अरे रे रे रे, इसके अंदर कुछ और तो है, इसके अंदर ये अकेला नहीं, इसके अंदर कुछ तो है, इसके अंदर एक एलिमेंट हो रहा है अभी। इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं, ऐसा नहीं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ही होता है बस, नहीं, इलेक्ट्रॉन के अलावा भी और भी कुछ है इसके अंदर, लोगों को पता चला। फिर लोगों ने ढूंढना स्टार्ट किया, चलो उनको ढूंढता, लोगों ने ढूंढना स्टार्ट किया, तब उनको कुछ और मिला, पॉजिटिव चार्ज आए, इसको बोलते हैं प्रोटॉन। तो क्या लगा? एटम्स आर फाउंड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम्स न्यूट्रल होते हैं, सो दे मस्ट कंटेन इन एडिशन पार्टिकल दैट आर पॉजिटिव चार्ज। तो कह रहे हैं इसलिए उसको एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा पार्टिकल भी उसके अंदर होना चाहिए जो पॉजिटिवली चार्ज हो। सर क्यों होना चाहिए? ये तो बताया नहीं, तो ये मैंने आपको स्टोरी बता दी ना, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस को न्यूट्रल बनाने के लिए एक प्लस तो चाहिए चाहिए, तो चार्ज आयन हमें चाहिए, तो चार्ज आयन हमें चाहिए, तो चार्ज आयन हमें चाहिए। सच देयर द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज। अब वो कह रहा है वो मैटर, वो पार्टिकल ऐसा होना चाहिए जिसको पॉजिटिव चार्ज उतना ही हो जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो जब वो नेगेटिव और प्लस जब बराबर के होंगे तभी तो कैंसिल हो पाएंगे, एक ज्यादा हुए कम हुआ तो कैसे बराबर हो पाएंगे? तो दोनों बराबर के होने चाहिए। दिस रियलाइजेशन लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन्स। तो कि ये जो रियलाइजेशन हुआ लोगों को, इसकी वजह से डिस्कवरी हो पाई एक पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल की, प्रोटॉन का नाम है प्रोटॉन। तो आपसे कोई पूछ लेगा कि प्रोटॉन डिस्कवर हुई कैसे? आई डोंट थिंक ऐसा क्वेश्चन कभी बनेगा, मेरे को नहीं पता ना है, मेरे को नहीं पता, पर क्वेश्चन अच्छे हैं। अगर आपसे पूछ ले कि कैसे डिस्कवरी हुई, क्या चीज़ थी जो लोगों के दिमाग में तब जा पाई डिस्कवरी हो पाई, ऐसा थोड़ी था कि चलते चलते पैर से टकरा गए हमारे, हमने उठाकर देखा तो प्रोटॉन प्रोटॉन खुश हो गए, प्रोटॉन मिलाए प्रोटॉन मिलाए, ऐसा कुछ नहीं, उसके पीछे रीजन था। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, समझा दिया, ये बेसिकली मैंने आपको समझा दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे हैं तो अभी आपको पता ही है कि क्या आंसर देना क्या नहीं देना। आप देखते हैं क्या लिखा है, नोट। व्हेन थ्रू अ गैस पास थ्रू अ गैस पास थ्रू अ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब
इलेक्ट्रिकल एनर्जी ब्रेक्स अप द एटम्स ऑफ द गैस इनटू पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। वो कह रहे हैं जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज में, बहुत हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू गैस में, है ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना वो दो पार्ट में तोड़ देती है, वो दो पार्ट में तोड़ देती है, वो एटम्स को दो पार्ट में ब्रेक कर देती है। एक पार्ट नेगेटिव होता है और एक पार्ट पॉजिटिव होता है। जो नेगेटिव पार्ट होता है उसको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, जो पॉजिटिव होता है उसको प्रोटॉन बोला जाता है। ठीक है, इसका व्यू ऑफ प्रोटॉन नाच। ठीक है, एक पीस से भी एक साइलेंट साइंटिस्ट थे ना, पीस से क्या नाम था उनका, एक तो रदरफोर्ड थे, एक चैडविक थे, एक तो हाँ रदरफोर्ड थे, इसके प्रोटॉन के रदरफोर्ड और गोल्डस्टाइन में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। गोल्डस्टाइन डिस्कवर प्रोटॉन्स का। गोल्डस्टाइन नोटिस्ड अनदर सेट ऑफ रेज ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड रेज। जे थॉमसन थे, उन्होंने तो कैथोड रेज को जाते हुए देख लिया कि वो कैथोड से हो लेके एनोड तक जा रही है, तब उन्होंने वहाँ पे कैथोड रेज को रिसर्च करने लगे। फिर उन्होंने देखा कि कैथोड रेज जो होती है वो नेगेटिव भी चार्ज इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो उन्होंने कहा किसको इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव चार्ज देता कौन है, तो उन्होंने दिमाग में कि नेगेटिव चार्ज तो कोई ना कोई पार्टिकल होगा जो इसको नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, तब जाकर उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। ऐसे एक बार क्या होता है कि गोल्डस्टाइन ने नोटिस किया कि नहीं केवल कैथोड रेज ही नहीं है, कोई और रेज और है, कोई और रेज भी है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है एज दैट ऑफ कैथोड रेज, यानी कैथोड से अपोजिट जा रही है। कैथोड जिस डायरेक्शन में आती है वो से अलग डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, कैथोड रेज होती है वो एनोड की तरफ जाती है, कैथोड रेज एनोड की तरफ जाती है, लेकिन ये वाली अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाली अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना, फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड, है ना, मतलब इस साइड से इस साइड, है ना। वेन आ परफोरेटेड कैथोड वॉज यूज इन द अबव डिस्चार्ज ट्यूब ही कॉल्ड दिस रेज एज अ कर्नल रेज। उन्होंने जब इसको यूज किया, इसका नाम है ये इतना अच्छा, तो जब इसको डिवाइस को यूज किया गया तब जाकर उन्हें पता चला कि जो रेज है ना इन रेज को कर्नल रेज बोलते हैं, कर्नल रेज बोलते हैं। है ना, इनको कर्नल्स क्यों बोला था, इनको कर्नल इसलिए बोला था क्योंकि इन कर्नल में से, इन होल्स को ये कर्नल बोल रहे हैं, क्योंकि जो लाइट है ये इन होल्स में से होकर पास होती है, इन होल्स में से, इन होल को उन्होंने कर्नल नाम दे दिया तो इसको कर्नल रेज ही बोल देगा। दीज रेज वर नेम्ड एज पॉजिटिव रेज और कैनोड रेज, इसलिए इन रेज को और भी नाम दिए गए सर, क्योंकि इनको पॉजिटिव आयन रखते थे इसलिए इनको पॉजिटिव रेज बोल देगा, और एनोड से कैथोड की तरफ आ रहे थे इसलिए इसको एनोड रेज बोल देगा। पुरानी वाली होती थी कैथोड रेज, कैथोड रेज में कैथोड रेज से दूसरे वाला नाम दे दिया तो उसको कैथोड वाला नाम दे दिया, ये एनोड से दूसरी तरफ जा रही है तो उसको एनोड रेज नाम दे दिया गया। ठीक है सर, इन रेज की प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज तो याद ही होंगी, याद तो नहीं होंगी, खैर पढ़ी है ना तो उनको ध्यान रखना है और उनको याद भी रहना है, इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है अच्छे से। एनोड रेज ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, मुझे भी याद नहीं पुरानी वाली, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी स्ट्रेट लाइन में क्या करती है कैथोड रेज भी। द कॉन्स्टिट्यूटल माइंड पार्टिकल माइन्यूट मटेरियल पार्टिकल एनहेंस प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, इसके बाद छोटा पार्टिकल होता है जिससे मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, कैथोड में उस वाली जगह पे क्या जाता है, दे आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो दोनों में अगर डिफरेंस भी करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो अपोजिट कर करके, बस पता होना चाहिए अपोजिट में क्या लिखना है। कह रहे हैं जो पॉजिटिव रेस होती हैं आर डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आ जाए फिर मैग्नेटिक फील्ड से टकरा जाए तो, बट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू डेट ऑफ कैथोड। लेकिन जो डिफ्लेक्ट होती हैं ये किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती हैं, ये कैथोड रेस के अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती हैं। दिस मीन्स दैट दीज रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड द प्रोटॉन, इसका मतलब है कि इनके पॉजिटिव आयन्स होते हैं। सर ये कैसे चला कि पॉजिटिव होते हैं क्योंकि कैथोड से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। हाँ
कैथोड एनोड की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि उस पर नेगेटिव आयन थे। लेकिन अब ये जो रेज है, ये क्या नेगेटिव चार्ज वाली रेज के साथ जा रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। यानी इसका नेचर, उसका नेचर अपोजिट है। अगर वो नेगेटिव था तो उसका नेचर ऑब्वियसली क्या होगा, नेगेटिव का अपोजिट यानी पॉजिटिव। तो उसे पता चला कि इसका कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज आयन तो है, कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो है। फिर बाद में मालूम पड़ा उसका नाम इन्होंने प्रोटोन वगैरह रखा, तो बाद में मालूम पड़ा कि प्रोटोन होता है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चार पॉइंट को पढ़ के देख लो। ठीक है, वीडियो पॉज करके पढ़ लिया करो। अगर जब भी मैं बोलता हूँ ना पढ़ लो, तो इसका मतलब होता है कि वीडियो पॉज करके आप देख लो, है ना। दीज रेस प्रोड्यूस फ्लोरेंस ऑन अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन। सो जिंक सल्फाइड से बनी हुई स्क्रीन होती है, वहाँ पर ये रेस क्या करती है, लाइट प्रोड्यूस करती है। फ्लोरेंस मतलब लाइट, आपको बक्कली बताएगा वो शाइनिंग पोर्सन है ना, तो उसको उसका लाइट बेसिकली। देयर, अभी क्या बता रहे हैं, उनके यूनिट बता रहा है। इलेक्ट्रॉन को मेजर करने के यूनिट कहते हैं इलेक्ट्रॉन पर मास, इलेक्ट्रॉन पर मास जिसमें से मास आई थिंक पर केजी होता था। तो इनका जो चार्ज का रेशियो होता है, इनका जो चार्ज टू मास रेशियो होता है, चार्ज टू मास रेशियो होता है, ये डिफर्स फ्रॉम गैस टू गैस। ओहो, ये डिफर करता है, ये डिफर करता है। वहाँ पर सेम रहता था, कैथोड रे में सेम रहता था, इनका डिफर करता है गैस टू गैस। हर गैस में अलग अलग रेशियो होता है। इट्स वैल्यू इज मच लेस देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओहो, बकर का जो रेशो तो अलग होते होता है, इनकी जो वैल्यू होती है वो भी कम होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन से कम इनकी वैल्यू होती है। एंड इट्स एंड इज मैक्सिमम व्हेन हाइड्रोजन इज टेकन इन द डिस्चार्ज स्टेट। ओहो, वो कह रहे हैं आप बाकी गैसों में करते हो तो जनरली ये इसकी वैल्यू कम होती है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर इसको कर रहे हो जहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, तो वहाँ पर इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ पर वैल्यू इसकी मैक्सिमम हाइट पर होगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स, इसका सीधे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तब क्या लिखा हुआ है, आप प्रोटॉन पजेस यूनिट पॉजिटिव चार्ज वाले यूनिट, पॉजिटिव चार्ज वाले यूनिट, पॉजिटिव चार्ज वाले यूनिट को ही पजेस करता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1.602 × 10⁻¹⁹ कॉलम। ठीक है, इट मास इज द सेम एज दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका मास और हाइड्रोजन एटम का मास सेम होता है। मतलब फुल फॉर्म पता है ना, एमयू की फुल फॉर्म पता है ना, एमयू की फुल फॉर्म पता है ना, एमयू की फुल फॉर्म पता है ना, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, वन एटॉमिक मास यूनिट 1837 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन में 1.672 × 10⁻²⁴ ग्राम्स। ठीक है, द प्रोटोन रिजाइड्स इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। में क्या लिखा हुआ है, तो जो प्रोटोन होता है ना, ये किसी एटम के बीच, ये है ना एटम के बीच के पार्ट में रहता है, एक सेंट्रल पार्ट में। ये प्रोटोन जो है वो बीच में रहता है, कहाँ पे रहता है, एटम के अंदर बिल्कुल बीच में, बीच में रहता है। ओके, और उस बीच वाली जगह को बोलते हैं न्यूक्लियस। उस बीच वाली जगह को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। सब प्रोटॉन की अब डेफिनेशन पढ़ देना, कितनी अच्छी डेफिनेशन आपको बता रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मास है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूनिट है ना, तो कह रहे हैं प्रोटॉन में भी डिफाइन, प्रोटॉन को अगर डिफाइन करना है, प्रोटॉन को अगर डिफाइन करना है तो कह रहे हैं प्रोटॉन, 2 सेकंड रुको, प्रोटॉन तो मे बी डिफाइंड एज सब एटॉमिक पार्टिकल। प्रोटॉन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, प्रोटॉन को आप एज सब एटॉमिक पार्टिकल जिसके पास, जिसका मास कितना है, 1 AMU के बराबर है, 1 AMU के बराबर है, एंड हैज पॉजिटिव यूनिट चार्ज। और जिसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, जिसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल को आप क्या कहोगे, प्रोटॉन कहोगे। इट इज नोटेड एज ही सुपर स्क्रिप्ट में बने और ही सब स्क्रिप्ट में भी माइनस प्लस वन है। जैसे प्लस वन क्या बताता है, नीचे वाला प्लस वन बताता है उसका यूनिट क्या बताता है, उसकी उसका चार्ज बताता है कि पॉजिटिव चार्ज आया है एक बड़ी यूनिट का। ठीक है, अब सुपर सुपर स्क्रिप्ट बताता है मास,
प्रोटॉन इज फॉर्मड बाय द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हाइड्रोजन एटम। वो कह रहा है प्रोटॉन कैसे बनता है, तो प्रोटॉन तब बनेगा जब आप हाइड्रोजन के अंदर से, आप हाइड्रोजन एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इलेक्ट्रॉन निकाल दो यानी कि किसी भी एटम में से नेगेटिव आयन हटा दो, इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या है, हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, हटा दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, पॉजिटिव आयन बचे, प्रोटॉन हो गया। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जीसस थॉमसन प्रपोज्ड प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम के साथ, जब इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी जीसस थॉमसन ने की थी, और जब बाद में प्रोटॉन की जाकर जीसस थॉमसन रुके, जाकर जीसस थॉमसन रुके नहीं, वो कह रहे मैं तो और ना कुछ ना कुछ करते रहूँगा, मैं तो सिलेबस बढ़ाता रहूँगा बच्चों का। उन्होंने एक और थ्योरी बना दी, प्लम पुडिंग मॉडल बना दिया एटम का। पढ़ते हैं सर ये मॉडल क्या है क्या नहीं है, आपको सिलेबस बढ़ाए जा रहे हैं। तो शुक्र है इनके टाइम पे लॉकडाउन नहीं था, इनके टाइम पे लॉकडाउन होता, इनके टाइम पे लॉकडाउन होता तो एक घर पर फ्री बैठे बैठे आपको सिलेबस ही बढ़ा देते हैं। आपकी क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, कौन सा मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल है ना, एन एटम इज कंसिडर टू बी इस फेयर ऑफ अ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट। वो कह रहे हैं एटम एक ऐसा स्फीयर है, एक ऐसी ऐसा गोल आकार में एक सब्सटेंस है जिसके पास जो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, उसके अंदर हर जगह पे जो पॉजिटिव चार्ज होती है, जो पॉजिटिविटी होती है वो इक्वली होती है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड मतलब इनटू इट, एम्बेडेड मतलब कि ऑलरेडी शामिल होना, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी शामिल होते हैं। द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। सर जो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होते हैं दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर के होते हैं कि क्या होता है जैट, जिससे कि क्या होता है जो एटम होता है ना एज अ होल वो न्यूट्रल हो जाता है, उसके ऊपर फिर कुछ चार्ज रहते हैं क्योंकि प्लस से माइनस कैंसिल हो जाता है। द मास ऑफ एन एटम इज कंसिडर टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सर जो मास होता है एटम का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है आते हैं जरा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इसके बाद हमारी क्या है, न्यूक्लियस पता है ना, वो जगह वो सेंट्रल पार्ट जहाँ पर प्रोटॉन्स रहते हैं, तो वो ठीक है। सबसे लास्ट में यही दिया हुआ है, फिर चलो 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 डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है ना। इन 1911 लॉर्ड रदरफोर्ड अ साइंटिस्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड, एक न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट थे लॉर्ड, डायरेक्टेड अ स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल पूछा भी गया आपसे, अल्फा पार्टिकल होता है क्या बेसिकली, पढ़ते हैं जरा। अल्फा पार्टिकल इज अ डबल डबली चार्ज हीलियम, एक ऐसा हीलियम है जिसमें डबल चार्ज होते हैं उसके ऊपर, और वो डबल चार्ज कौन कौन से हैं, दोनों पॉजिटिव आयन से हैं, कंटेनिंग टू प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स 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 सर ये क्या आ गया, न्यूट्रॉन कहाँ से आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, वो कैसे हीलियम, हीलियम कंटेन करता है, हीलियम के अंदर होते हैं दो चीजें, एक प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। सर बहुत अलग है, प्रोटॉन भी तो होते हैं लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ से आ गए, हमने तो पढ़ा था कि सर ये हीलियम तक हमने पढ़ाई के अंदर, तभी तक हमने पढ़ाई के अंदर, तभी तक हमने पढ़ाई के अंदर, तभी तक हमने पढ़ाई कि सर इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन होते हैं, ये कहाँ से आ गया, तीसरा से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। सर हमने जल्दी पढ़ लिया क्या, हमने हाँ जल्दी पढ़ लिया, पहले हमें पढ़ना चाहिए था, ये हमें डिस्कवरी ऑफ, हमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के, 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 वो एटम होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से हो गया वेल, 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 न्यूट्रॉन से हो जाओ, तो न्यूट्रॉन कैसे पता चला वो बाद में देख लेंगे, पर ये पता ये समझ लो कि होता है उसके अंदर, ठीक। ये अल्फा पार्टिकल बनता कैसे, वो कह रहा है आपको अल्फा पार्टिकल आने तो 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 अल्फा पार्टिकल आपका तभी बनेगा जब आप हीलियम में से दो इलेक्ट्रॉन
दो इलेक्ट्रॉन हटा दो गए, द हीलियम में से इलेक्ट्रॉन। फॉइल 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 FOIL। पॉलिथीन लिख लो इसको। हाँ तो 1911 में क्या हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट हो ना कि एक्सट्रीमिस्ट हो ना कि एक्सट्रीमिस्ट हो ना कि एक्सट्रीमिस्ट हो ना लाइट बेसिकली डायरेक्ट स्ट्रीम ऑफ अल्फा बिकॉज़ ही वांट 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 बिकॉज़ ही वांटेड एज अ थिन लेयर एज पॉसिबल क्योंकि वो उनको बहुत पतली लेयर चाहते थे वो, है ना। और गोल्ड की जो सुनहरी कलर की जो लेयर होती है बहुत पतली होती है वो, एंड गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल मेटल। और गोल्ड सबसे तो सर ऐसा करने से हुआ क्या कि ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास द अल्फा पार्टिकल्स पास द अल्फा पार्टिकल्स पास द स्ट्रेट फाइल में सोकर सीधी 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 डायरेक्शन में जाते हैं स्ट्रेट लाइन में। फिर कैसा आगे लिखा हुआ सम अल्फा पार्टिकल सम स्लाइटली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर स्ट्रेट पाथ। एक कुछ पार्टिकल्स हैं जो बहुत ही कमजोर और बहुत कम डगमगाते हैं। थर्ड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर आइदर डिफ्लेक्टेड बाय खुश लोग तेरे के वो कहना खुश लोग तेरे के वो कहना खुश लोग तेरे के वो कहना खुश लोग तो ऐसे होते बिल्कुल मतलब जानी नहीं होती इसका मॉडल उन्होंने इसका प्रणाम 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 वो कह रहे किस हैवी मेटल सच प्लैटिनम कह रहे कि जो प्लेट 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 कह रहे कि जो प्लैटिनम जो होता है प्लेटल मेटल जो होता है वो बिल्कुल वो ही निकालेगा रिविशन नहीं निकालेगा रिविशन नहीं निकालेगा रिविशन नहीं निकालेगा जो कि ऐसा पार्टिकल्स ने निकाली थी गोल्ड फॉइल में, है ना। यहाँ गोल्ड फॉइल की वजह से बट जैसे आप लाइट लास्ट निकल लेते हो ठीक है जैसे लिथियम वगैरह हो गया और उसको यूज करते हो तो ये फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल बनाने के लिए तो कह रहे ना कभी कभी लाइट न्यूक्लियस न्यूक्लियस को बिल्कुल हटा दे 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 साइड रख दे द एटम
contains a large part most of the 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 part particles kappa 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 particles pass through the metal fire through the air debiting यही रीजन है कि जब हमारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो पास करते हैं हल्के थ्रू ताकि इनका कोई रास्ते से गलत डायरेक्ट इज अ पॉइंट टू द चार्ज टू मास एट द सेंटर ऑफ द एटम मास होता है जिसको हम न्यूक्लियस नाम से जानते हैं फॉर्म ना कंसोलिडेटेड फॉर्म में होता है therefore the answered part of the atom electricity positive charge in nature of the nucleus is supported by the fact that positive charge alpha particles approaching the nucleus get deflected वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज जो मिसल का न्यूक्लियस का ये फैक्ट से सपोर्ट है यानी ये चीज़ है क्या बात तो है क्या ये पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहे होते हैं और वो डिफ्लेक्ट होते हैं दिस प्रूव दैट न्यूक्लियस कंटेन द साइज ऑफ दिन न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू एन एटम बहुत छोटा होता है दिस इज प्रूव्ड बाय द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइंस ऑफ द गोल्ड फॉइल है ना समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन सत्य वो एक दूसरे के आसपास न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी है ना इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं सर्कल पास के तरह से ऑर्बिट घूमता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज टुवर्ड्स अ वेरी थिन नहीं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस सो काउंटर करने के लिए भी एनर्जी को देता है तब वो कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स के प्रोड्यूस होता है और सन जो है वो सेंटर होता है एटम में जो न्यूक्लियस होते हैं मेन मास कंटेन करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट और इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर घूमते हैं है ना बस ये है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ठीक है